कल का मैच जो उनसे है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हुआ है मैच, उसमें सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान की टीम जो है उसके लिए तालियां, वेरी वेल प्लेड। मतलब इतनी थर्ड क्लास या सेकंड क्लास टीम होने के बावजूद, इतनी बड़ी पाकिस्तानी टीम जो कि सिर्फ शायद ब्राय नाम बड़ी रह गई है, उसको इतना टफ टाइम उन्होंने दिया है और उनके लिए तालियां। पाकिस्तानी टीम जीतती है, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान आगे भी जीतेगा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तानी टीम मोस्टली जो बड़े बड़े अपसेट करती है ना, जिसको हम कहते हैं कि न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हरा दिया, वो बेसिकली पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलती, वो उसने उस टीम की, दूसरी टीम की, मुखालिफ टीम की किस्मत हारी होती है, इसलिए पाकिस्तान जीत जाती है। वरना पाकिस्तान के एफर्ट को खास नजर नहीं आ रही होती जब पाकिस्तान जीतती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक जमाना था कि टीम प्रोफेशनल हुआ करती थी, अब वो प्रोफेशनल नहीं है, दुआओं पर चल रही है टीम, जैसे कि पाकिस्तान का मुल्क हमारा दुआओं पर चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अफगान महाजरीन में और पठानों में वाजिया फर्क है। पठान पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, वो हैबर के हों, पेशावर के हों, क्वेटा के हों, जबकि अफगान महाजरीन हुए जिनको हमने रशिया की जंग के दौरान अपने मुल्क में पनाह दी थी भाई समझ कर, और इतनी बड़ी तादाद में कभी किसी मुल्क ने किसी दूसरे को पनाह नहीं हमने दी थी, और जिनको हमने तमाम वो हकूक दिए कि जो एक महाजर के नहीं होते बल्कि एक शहरी के होते हैं। और इसके नतीजे में इन्होंने हमारे मुल्क में 40-50 साल में सिवाय इलीगल असले के और मंशियात के हमें कुछ नहीं दिया। इनके आने से पहले ये चीज़ें पाकिस्तान में इतनी आम नहीं थी, ना असला ना मंशियात। बाड़ा मार्केट में क्या क्या बिकता रहा है, कितने का बिकता रहा है, ये हम सबको पता है, हमें किसी को दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। वो ले के आने वाला कौन था? अफगान महाजरीन। और ये आज इंडिया को अपना अबू मान के उसकी जेब में, गोद में बैठे जो छलांगे मार रहे हैं, उसकी वजह से ये अगर समझते हैं कि ये पाकिस्तान को किसी तरीके का नुकसान पहुँचा सकते हैं, नहीं पहुँचा सकते। हम पाकिस्तानियों को अपनी आँखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे बेशुमार लोग कहते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये ऐसा है। तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को टोटल आबादी को मिक्स भी कर लिया जाए, तो उससे ज़्यादा तादाद में मुसलमान जिनका मसलक हमसे बहुत नज़दीक है, वो इंडिया के अंदर है। तो आप जब इंडिया से जंग करते हैं ना, फिर बम के ऊपर लिख के भेजा करें कि हिंदू को जाके लगेगा, मुसलमान को नहीं लगेगा। इसलिए ये वाले जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, ये गलत हैं। वो इतनी शदीद अफगानी हमसे नफरत करते हैं, इतनी शदीद नफरत करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप कभी रियल में किसी अफगानी से मिले हैं तो बताएं। हम मुख्तलिफ मुल्कों में अफगानियों से मिलते रहते हैं, उनकी सोच सुनते रहते हैं, हमें पता है कि इनके दिल में कितनी नफरत है, वो बरमला इजहार करते हैं, छुपाते भी नहीं हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा मेरे भाई, हम किसी से भी जंग करना या लड़ाई करना नहीं चाहते, हम तो इंडिया के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। इसलिए अफगानी जो हमसे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी औकात में, ठीक है, खेल को खेल समझे, और जंग की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया की वो मुल्क और वो कौम है जिसने जब से दुनिया बनी आज तक ना कभी अमन देखा है, ना कभी कामयाबी देखी है। मिस्र को भी अरूज था, ईरान को भी अरूज था, चाइना को भी था, इनको कभी नहीं था। ये हमेशा से लड़ रहे हैं आपस में बाहर आने वालों से, आपस में बाहर आने वालों से, और ये क़यामत तक इसी तरह ही जंग का शिकार रहेगी कौम, क्योंकि ये गॉड फॉर सेकन कौम है। जिसको इसका मतलब जानना हो वो गूगल करके देख ले, व्हाट इज़ गॉड फॉर सेकन। ये गॉड फॉर सेकन है, ये क़यामत तक इसी तरह ही जंग में रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पहाड़ों में जंगलियों से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, इनको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। इसकी वजह क्या है ये इनको खुद पता भेजिए तो कौन कि इसकी रीज़न क्या है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बाकी जो मैच आ रहा है उसको इन्जॉय करें, और अफगानियों को इतना ही कहूँगा कि आप लोग जितने हैं प्लीज़ उतना रहें। जो आपने हमारे शायकीन पर तशद्दुद किया है इंग्लैंड के अंदर, जो उनको मारा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आप बेटा जितने हैं उतने रहें, अबू के साथ पंगा ना लें। जो आपने नए अबू बनाए अपनी अम्मी के लिए, वो कुछ अर्से बाद आपको तलाक देकर आपकी अम्मी को चले जाएंगे। इंडिया की बेस पर मत उछलें। पाकिस्तान आपके वालिद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।